खुद का ध्यान रखें बहुत मेंटली एंड फिजिकली आप अच्छे नहीं हो तो आप वो रिफ्लेक्ट करते हो बच्चा आपकी एनर्जी पिक करता है आपको हमें रियलाइज़ नहीं होता लेकिन वी आर अ रिफ्लेक्शन आर चिल्ड्रन आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस एंड जैसा हम अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अगर हम अपने बच्चे को डांटते रहते हैं अगर हम परेशान हैं वो उन पर जाता है एंड दिस इज़ वन थिंग विच आर सिंगल पेरेंट्स हमको ये अपने अंदर ये फाइट काइंड ऑफ रोक कर अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी mm. है एंड ये समझना कि हम दो लोगों का रोल प्ले कर रहे हैं तो हम गुड कॉप बैड कॉप दोनों हैं वैसे आज की में आपको क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम कॉमन नजर आ रही है न्यूली बोर्न बॉर्न बेबीज में सच uh, सिर्फ आजकल का नहीं है ये आई थिंक जनरली जब हम बच्चे के सॉलिड स्टार्ट करते हैं जो सिक्स मंथ के अराउंड होता है वो बहुत क्रोशल टाइम होता है इनफैक्ट मैं बहुत डिटेल्ड कोर्सेज और वर्कशॉप्स कराती हूँ सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे Uh, क्योंकि जो हम बच्चे को उस वक्त इंट्रोड्यूस कराएंगे जो खिलवाएंगे आगे जाके उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है आपने देखा होगा कुछ बच्चे सिर्फ वाइट खाना खाएंगे हम सिर्फ वाइट चावल वाइट ब्रेड बड़े ओके के बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ uh, या uh, कुछ लोग बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाते कुछ बच्चे या कुछ बच्चे uh, बिल्कुल आई वुड से यू uh, नो you know, सिर्फ जंक फूड खाना है पूरे दिन क्योंकि उनको बाकी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती उसमें गलती उनकी नहीं है उसमें गलती पेरेंट्स की होती है Hum.